नमस्कार दोस्तों, कल देर रात तक मुझे नींद नहीं आ रही थी और काफ़ी बेचैनी हो रही थी और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था इस बेचैनी के पीछे का रीज़न क्या है। फिर मैं किसी तरह से सोया और जब सुबह उठा तो मुझे जो न्यूज़ मिली वो काफ़ी दिल दहला देने वाली है। वैसा है कि हमारे जो प्रिय संडे थे वो अभी दुनिया में नहीं रहे। हाँ भाई, सही सुना आपने, मैं उसी संडे की बात कर रहा हूँ जो मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे की तपस्या करने के बाद में आते थे। उन्हें लोग रविवार, इतवार और न जाने किस किस नामों से भी बुलाते थे, वीकली ऑफ और न जाने क्या क्या। सभी भाइयों में बड़े और सबसे प्यारे थे। लोग उन्हें इतना प्यार करते थे उनकी एक झलक के लिए तो पूरे हफ्ते बिना किसी उफ आ के, बिना किसी कंप्लेन के रात दिन काम किया करते थे। इस आस में कि चलो एक दिन तो संडे आएगा और मैं अपनी सारी इच्छाओं, आकांक्षाओं और सपने पूरे कर लूँगा। लोग इतने लेट उठते थे, बच्चों के साथ पार्क जाते थे, पिकनिक जाते, मूवीज और मॉल भी जाते थे। एक परिवार में खास करके बच्चे ये सोच के खुश होते थे कि चलो आज के दिन उनके मम्मी, उनके पापा ऑफिस की टेंशन को दूर रख करके, ऑफिस के टेंशन से दूर उनके साथ समय बिता पाएंगे। कभी कभार हम अपने रिश्तेदारों के घर भी जाते थे, लोगों से मिलते थे, दोस्तों से मिलते थे, उनसे बातें करते थे, उनसे अपने दुख और सुख शेयर किया करते थे। इस दिन एक अजीब सी बात होती थी, ये दिन सबसे छोटा होता था। ये दिन कब शुरू होता था, कब खत्म होता था पता ही नहीं चलता था। और हम भी ये दोबारा आएगा, ये फिर से आएगा, उसकी आस में फिर से 6 दिन काम में लग जाते थे और किसी तरह से इन 6 दिनों को काट लेते थे। और किसी पता था मेरे दोस्तों, ये कोरोना उसे ही निकल जाएगा, उसे अपने काल का ग्रास बना लेगा। अब हफ्ते में 6 दिन और एक हमारा प्यारा संडे नहीं होता है, अब हफ्ते में 7 के 7 दिन मंडे बन गए, जो कि इंसान को एक ऐसे मशीन में कन्वर्ट करते जा रहे हैं जो 24/7 सिर्फ काम करता रहे। पर पता है, जिस तरह एक मशीन को भी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, उसी तरह इंसान को भी एक मुस्कान भरी, अपनों के साथ वाली, सुकून वाली संडे की जरूरत पड़ती है। हैप्पी संडे, मिस यू संडे।